नमस्कार, मैं हूं संदीप खेर और आप देख रहे हैं R9 TV का खास कार्यक्रम चाय का चस्का। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर इन लोगों का क्या मत है और क्या सोचना है इनका। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। प्रशांत जी, अयोध्या मंदिर जो है कह सकते हैं राम मंदिर पे लगातार फैसला चल रहा था और कल सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है, जिसपे अब किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होगी और सिर्फ अब राम मंदिर पर निर्णय आएगा। क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में आएगा? भाई, मेरा अपना मानना है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने का समय आ गया है और वो बन के रहेगा। बिल्कुल, तो लगता है आपको कि जो नवंबर में फैसला आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है आपको इतना भरोसा? क्योंकि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, ये अब कहने की बात नहीं है, ये हमारा इतिहास और हम सब खुद अच्छे से जानते हैं। के आधार पर आप मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर था? विश्वासी है हम और आप, विश्वास करते हैं तभी तो भगवान में भरोसा करते हैं। इनका कहना विश्वास है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि हमारा विश्वास है कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो जरूर बनेगा। क्या कहना है भाई साहब आपका इसमें? मेरा भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर जरूरी बनना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक जो अस्तित्व में माना जाता है राम जी को, एक हिंदू धर्म जो मानती है उनका वो जन्मस्थली है और ये आज से नहीं करोड़ों वर्ष लाखों हजारों वर्षों से उस चीज़ को मानती आ रही है हिंदू धर्म कि वो हमारी राम जी की जन्मस्थली है। तो वहाँ पे निश्चित तौर पे ये राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदुओं के पक्ष में आना चाहिए फैसला। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हिंदू के पक्ष में आता है ये फैसला तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? RJ सारांश। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ RJ सारांश मौजूद हैं। ये हमेशा हमको लगता है लोगों की क्लास लेते हैं, पर आज हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर? ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ, तो ह्यूमैनिटी सबसे पहले रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी डिसीजन आए, डजंट मैटर। देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटी की कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कल के अदालत की, तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने जिस तरह से अयोध्या का नक्शा फाड़ दिया, आपको लगता है कहीं ना कहीं से वहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखी थी? एग्रेसिवनेस में कभी भी कुछ भी हो जाता है इंसान से, तो उसका ये इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो कह सकते हैं कि काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा था, इस पर उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था? हाँ, देखिए, शॉर्ट टेम्परनेस में इंसान कभी कभी कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, कभी कुछ सही डिसीजन ले लेता है, तो वो शॉर्ट टेम्परनेस जो होती है उसमें वो जो कहते हैं कि उस टाइम पे एक एक्शन ले लेता है, वो एक रिएक्शन उसका था। राम मंदिर को लेकर क्या कहना है आपको? राम मंदिर अगर बनता है तो आप कितना खुश होंगे? वेल, आई कम्प्लीटली बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, और जो भी फैसला होगा वो सही होगा, सो दैट व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल, इनका कहना ये है साफ तौर पे कि जो भी फैसला आएगा वो इनको मंजूर होगा। हमारे साथ यहाँ पे सर मौजूद हैं, सर से बात करते हैं, पर सर यहाँ से चले गए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या कहना है राम मंदिर को लेकर? पूछना क्या, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या लगता है आपको? फैसला किसके पक्ष में आएगा ये तो न्यायपालिका के ऊपर हमें भरोसा है, वो पता नहीं किस पे आएगा, लेकिन हाँ अगर पक्ष में आता है तो खुशी। किसके पक्ष में आता है भाई, आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर आता है तो किसके पक्ष में आता है जिसमें आपको खुशी हो? आता है हिंदुओं के पक्ष में आता है, तो अच्छा लगेगा, बट ये लेकिन न्यायपालिका का जो फैसला रहेगा उसका पूरा सम्मान। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन हम एक आपसे मन से जानना चाह रहे हैं कि फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं से आपकी जो खुशी है वो डबल हो जाए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मैम मौजूद है, मैम से बात करते हैं, हालांकि मैम बात करने के मूड में नहीं है। मैम ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला जो आना है वो हिंदुओं की आस्था रही है सालों से, आपका क्या सोचना है? नो कमेंट्स रिगार्डिंग दैट। फिर भी मैम कुछ बताइए, क्या लगता है फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा? हिंदू है, हिंदू को सपोर्ट करेंगे बेसिकली, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो लगता है कि इस बार जो दीपावली का त्यौहार है उसमें दुगनी मजा आने वाली है अगर फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आता है? दिवाली है यार, फैसला आए ना आए लोग ऐसे एंजॉय कर, उसका जो मजा है वो डबल हो जाएगा अगर राम। ऑब्वियसली बात है। चलिए, इनका कहना ये है कि दीपावली का मजा जो है वो इस बार दुगना हो जाएगा अगर राम मंदिर पर फैसला आता है, क्योंकि लगातार हिंदुओं की एक आस्था रही है, हिंदुओं का एक विश्वास रहा है, और अयोध्या में तमाम लोगों का कहना ये है कि अयोध्या में राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। चाय का चस्का विद R9 TV में आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए R9 TV। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।